बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, आज हम अनहद नाद की चर्चा करने वाले हैं। अनहद नाद क्या है? क्या हम इसे सुन सकते हैं? प्यारे लोगों, आप सभी ये जान लें कि जी हाँ, आप अनहद नाद को सुन सकते हैं। जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस विधि से आप अनहद नाद सुन सकते हैं। अब अनहद नाद क्या? अनहद नाद एक आवाज है। वैसे यदि हम बात करें, अनहद नाद जो होती है दो चीजों को टकरा कर होती है। जैसे कोई ठोकर किसी वस्तु पे लगता है तो उससे एक आवाज उत्पन्न होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कोई ढोलक बजाता है तो उसकी आवाज उत्पन्न होती है। जैसे शंख की आवाज, तबला बजाने की आवाज, घंटी बजने की आवाज, वीणा बजने की आवाज, इस तरह की किसी भी संगीत वाद्य से बजे और बजाया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। इसे हम नाद कहते हैं। लेकिन जो बिना किसी आवाज के ही बजे और शुरू से ही आवाज वो चल ही रही है, जो कभी रुकी नहीं है और ना ही किसी वस्तु के टकराने से हुई है, और वे अनादि काल से आवाज बहती रहती है, उस आनंद रूपी आवाज को हम अनहद नाद कहते हैं। ये बाहर की आवाजें और उन आवाजों से बहुत अलग है, इसे हम आंतरिक आवाज भी कह सकते हैं। ये आंतरिक आवाज है जो हमेशा ही बजती रहती है। इसमें किसी यंत्र की जरूरत नहीं होती है, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। इसके लिए आपको जो विधि में बतलाऊंगा उसे आप मात्र कुछ मिनटों में ही इसका अनुभव कर सकते हैं। आप अनहद नाद को सुन पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए ईयरबड्स ले लेना चाहिए, और यदि ईयरबड्स नहीं है तो आप अंगुली से दोनों कानों को बंद करने के बाद आप कुछ मिनटों तक शांत और स्थिर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और पूरा फोकस सुषुम्ना नाड़ी पे लगाएं। जैसे जैसे आपकी ध्यान एकाग्र होते जाएगी आपको एक ध्वनि सुनाई देगा और आप उस आवाज को तुरंत ही सुन पाएंगे, जो आपके अंदर 24 घंटे अनहद नाद जो चल रही है, जा रही है और चलती ही रहेगी, अनादि काल तक को भी अंत नहीं। इस परमानंद की आवाज को सुनने के लिए